Hello students, today we are starting with EVS 1 for standard 5th, lesson number 9, maps and our compassions. Okay, so in that we are going to learn the land in our environment is not the same height everywhere. जो हमारे पूरे environment में जितने भी lands हैं वो एक height के नहीं हैं. This unevenness gives rise to various land shapes. creating different landforms such as mountain valleys, plateau, plains and islands. जो अपने unevenness है, unevenness मतलब जो बराबर नहीं है, equally नहीं है, वो form क्या करता है? Various shapes, creating different landforms. Landforms, there are many landforms in our environment, जैसे कि mountains, valleys, plateaus, plains and islands. Wait, I will show you. So this is the mountain and this is valleys and this is plateaus and this is plain. ये जो plain है और this is islands. Okay, island मतलब जो पानी के बीच में रहता है उसे हम island बोलते हैं. Plain मतलब एकदम साफ, ना उधर ना mountain ना कुछ. और wait, माउंटेन आपको पता है जो हम लोग ड्राइंग सीनरी ड्राइंग में बनाते ना, माउंटेन वो वाला माउंटेन हो गया. वैलीज मतलब जो माउंटेन्स के बीच में जो नदी, जो रिवर पास होती है, द स्मॉल गैप, दैट इज कॉल्ड एज अ वैली. प्लेटो मतलब जो पत्थर से रहता है, द होल थिंग इज मेड अप ऑफ प्लेटो. प्लेटो मतलब देखो आप इमेज में देख रहे हो एक साफ जमीन, मतलब वो एकदम माउंटेन कैसी नोकीला रहता है ऐसा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट वो एकदम फ्लैट टाइप रहता है. ये ऐसा टाइप का माउंटेन है, उसे हम प्लेटोस बोलते हैं. ठीक है, यू हैव स्टडीड दिस इन द थर्ड चैप्टर, इन द थर्ड चैप्टर. फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर एनवायरमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी फिजिकल एंड नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड. जब हम अभी हम लोग को पूरा एनवायरमेंट के बारे में एकदम परफेक्टली स्टडी करना है, तो हमें जो भी हमारा फिजिकल है, जैसे कि फिजिकल नेचुरल सेटअप है, जो पहले से जो एनवायरमेंट ने खुद सेटअप किया है, खुद बनाया है, जैसे कि नदी हो गया, माउंटेन हो गया, तो उनके वैरायटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है. ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट इज In standard 4th, when we learned about map, we saw 5000 years old map. जब हम 4th standard में थे तब हमने map पढ़ा रहेगा, तो उसमें हमने 5000 साल पुराना map देखा रहेगा. This means that man has felt the need to make maps in ancient time. उस अभी इससे पता चलता है कि जो हम इंसान लोग हैं, उन्हें map की बहुत जरूरत होती थी. Ancient time मतलब बहुत old time. At that time, maps were mainly used in wars. पहले तो आपको पता, आप EVS 2 में तो पढ़ते ही हो ना कि वॉर्स होते थे बहुत सारे जन के, तो उन्हें कैसे पता चलता था कि ये हम यहाँ पे, मतलब ये किला है तो आजू बाजू मार्किंग करके रहेंगे. कैसे पता चलते? बिकॉज ऑफ द मैप. मैप रहेगा तो मार्किंग करके रहते थे कि आधे हाफ ऑफ द टीम विल गो देर, हाफ ऑफ द टीम विल गो देर, आधा आधा सेटअप मतलब बांट लेते कि आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, फिर आप वहां से हमला करो. तो कैसे होता था वो, लोकेशन कैसे पता चलती थी? बिकॉज ऑफ द मैप. फाइटिंग अ बैटल इट इज एन इम्पोर्टेंट टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ द टेरियन. टेरियन मतलब वो पूरा एक प्लेस का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए. इट हेल्प्स इन वर्किंग आउट स्ट्रेटेजीज ऑफ डिफीटिंग द एनिमी. ये जो मैप के थ्रू उनको क्या मदद मिलती थी कि वो एक स्ट्रैटेजी बना देते थे कि हमारे ऐसे ऐसे इलाके हैं, इस इलाके में हम जाएंगे और यहाँ पे हमला करेंगे, जिससे वो लोग जीतने के चांसेस बन जाते थे. और सामने वाले इंसान को भी पता, जो सामने जो जिसका हम लोग लेने वाले हैं, उनका भी पता नहीं रहता था कि ये कोई सामने से आ रहा है हमें डिफीट करने के लिए, हमारा किला लेने के लिए. मैप्स वेर वेली यूज फॉर दिस पर्पज. ये पहले जमाने में ये इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल था. टेकिंग इन टू अकाउंट द डिफरेंस इन देयर हाइट, शेप एक्सेट्रा, वेरियस लैंडफॉर्म्स कैन बी शोन ऑन द मैप. उसी मैप में उन्हें मतलब बहुत सारे लैंडफॉर्म दिखते थे. अभी मैंने आपको लैंडफॉर्म बताए, तो उसमें आपको मीन्स अभी ये माउंटेन है तो हम उनके उसकी शेप्स पता चलते थे. वो लोग पहले एक पुराने मैप में पूरे मार्किंग होती थी कि ये माउंटेन है, तो लोग उस शेप का माउंटेन बनाते थे एंड दे यूज्ड टू नेम इट कि ये नाम का है ये माउंटेन.
there are different method of showing this landform on map. ऐसे अभी different method है landform, जो हमारे अभी पांच landform बताए वो landform बताने के तरीके है. Let us see these methods. The length and the width of a landform can be easily shown on a piece of a paper. एक paper पे भी हम लोग उसका length बता सकते थे और width बता सकते थे, मतलब height और width. However, the height and the depth cannot be shown easily. जो अभी height और वो कितनी गहराई अंदर है हम paper पे नहीं बता सकते थे, वो बहुत मुश्किल होता था. There are different method of showing the elevation or height of the land. ऐसे कुछ method है जिससे हम पता लगा सकते हैं उस particular landform का क्या height, depth, width सब पता चले. तो पहला है contour line method, सेकेंड वन इज लेयर टिंटिंग मेथड, थर्ड वन इज डिजिटल एविलेशन मॉडल. ओके, कॉन्टर लाइन मेथड पहले मैं रीड आउट कर दूंगी, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी. कॉन्टर लाइन मेथड, दिस मेथड इज यूज टू शो द अनइवननेस ऑफ लैंड ऑन द मैप. द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर फ्रॉम द सी लेवल. तो ये अनइवननेस मतलब जो ऊपर नीचे रहता है वो हम लोग उस इस मेथड से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस लैंडफॉर्म को मैप पे. और उसका हाइट किसे मेजर्ड होता था, फ्रॉम द सी लेवल, जहां से वो चालू हुए वहां से उसका हाइट मेजर किया जा सकता था. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाई, वो जहां से जहां तक है उसका अच्छे से इस लाइन्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है. Their position is marked accurately on the map. उनका जो position हम एकदम perfectly mark कर सकते थे through on the map. This location are joined with the line. मतलब ये पूरा चीज contour line कैसे बनाया जाता है, जो भी maps हम लोग बनाते हैं, जो आप map देखते हो जो line से बना रहता है वो contour line रहता है. आप बाजू में आपके image में देख रहे हो वो एक contour line method है जिसके through आप देख रहे हो बहुत सारे ऊपर नीचे हो रहे, तो वो हमारे लैंड फॉर्म्स है. उधर मेजर किया कि देखो 200 है, 200 है, 300 है, कुछ कुछ मेजर कर रहे हैं, वो हाइट मेजर कर रहा है उसका, राइट. तो वो लैंडफॉर्म्स को मेजर कर रहा है थ्रू द लाइंस. जो भी आप जो भी मैप में लाइंस के थ्रू मेजर होएंगे वो होएगा कॉन्टर लाइन मेथड. सच लाइंस आर कॉल्ड कॉन्टर लाइन मेथड. सी मैप ए, इन द मैप लाइंस आर ड्रॉन ईच जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ अ स्पेसिफिक हाइट. जैसे मैं बोल रही हूँ हर एक एक पॉइंट से जुड़ा है और उसकी नेमिंग भी हो रही है, दैट इज 300 है ये, 200 है, 400 है, 500 है. यस, दिस वे द रिलीफ ऑफ द लैंड कैन बी इजीली शोन. इससे थ्रू हमें पता चलता कि लैंड का रिलीफ क्या है. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ द लैंड एंड द हाइट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस. इससे हमें पता चलता था कि स्लोप मतलब कैसा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, सब पता चलता था इसके थ्रू, ये लाइंस के थ्रू. सी कैसे वो नीचे जा रहे थे, वो जेंटल स्लोप है और इस स्टीप स्लोप है, ये आप इमेज में आप देख सकते हो. तो अगर वो ऐसा है फिर एकदम ऊपर आके नीचे है, तो मतलब ये उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है. तो उस मैप के थ्रू हमें इजिली पता चलता था. ओके, सेकेंड वन इज लेयर टिंटिंग मेथड. ओके, लेयर टिंटिंग मेथड क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कॉन्टर लाइन. ये कॉन्टर लाइन से ही बना रहता, मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से बना हुआ रहता है. बट इसमें क्या है, इसमें कलरिंग पार्ट है, हर एक एक हाइट को कलरिंग किया है. आई विल रीड दिस. इन दिस मेथड द स्पेस बिटवीन कॉन्टर लाइन आर फिल्ड विद द कलर. जो स्पेस है वो पूरा भर दिया है कलर से. तो कलर से क्यों भरा है, टू इंडिकेट द हाइट. यस, ईच कलर इंडिकेट अ स्पेसिफिक हाइट. हर कलर देखो, एक हाइट इन मीटर लिखा है. देखो एक लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू, एक ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है, एक येलो है, फिर रेड के दो तीन शेड्स है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इतने इतने हाइट के रेंज के. देखो उसके बाजू में रेंज भी लिखा है, तो मतलब ये हाइट ये कलर रहेगा, फिर ये हाइट ये कलर कर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वॉटर बॉडीज आर कलर विद ब्लू. देखो वॉटर बॉडी ब्लू का है, तो वो क्या लिखा है वहां पे, लेस देन 150. देन वेर एज द एडजॉइनिंग लैंड इज कलर डार्क ग्रीन. जहाँ पे मतलब डार्क ग्रीन जहाँ पे कलर किया है वो मतलब क्या है, वो हमारा एडजॉइनिंग लैंड है, जो एक दूसरे से ज्वाइन हो रहा है. लैंड हायर देन दैट इज कलर्ड लाइट ग्रीन. नेक्स्ट हायर
लैंड इज कलर्ड येलो एंड सो ऑन. मतलब वो इंडिकेट कर रहा है बेसिकली हाइट को इंडिकेट करने के लिए. स्टडी द गिवन कलर इंडेक्स बॉक्स, वही चीज उसमें बताए कि आप ये कलर देखो और बाजू में जो मैप दिया है उसे रेफर करो. और उस मैप के अंदर भी एक कलर दिया है, देखो ग्रीन दिया है, तो लेस देन 200 मतलब यहाँ पे उतने हाइट के कम है. फिर बाद में 200 टू 300 हाइट के आपको इस येलो सेक्शन में मिलेंगे. फिर बाद में 300 टू 400 में आपको ये वाले सेक्शन में मिलेंगे आपको लैंडफॉर्म. फिर मोर देन 400 मतलब जो 400 की हाइट पे वो आपको लैंडफॉर्म वहां पे मिलेंगे. नाउ डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल, ये एकदम इजी है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. इससे क्या होता है, जब ये जो हमारी सैटेलाइट है, जो हमने पहले भी पढ़ा है सैटेलाइट के बारे में, तो हमें पिक्चर्स भेजती है. अभी हम गूगल पे भी सर्च करते हैं, गूगल मैप पे, तो आपका एक पर्टिकुलर इमेज आपको अच्छे से दिखता है, क्लियरली दिखता है विद अ कलर फोटो. तो कलरेशन में उससे क्या पता चलता है, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये हाइट ऐसी है. अभी आप किसी आपकी आप खुद को भी ना गूगल मैप में देखोगे तो आपको बिल्डिंग्स भी दिखेगी सब जगह पे, तो कुछ ऊपर है कुछ नीचे कुछ ऊपर. तो वो उससे क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि जो हम देख रहे हैं थ्रू कंप्यूटराइज, ये कंप्यूटराइज में ही होता है ये सब चीज, जो डिजिटल है जो कंप्यूटराइज में ही होता है. तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किसकी हाइट ऊपर है किसकी हाइट नीचे है कितना ऊंचा है. ये ऑर्गेनिक मेथड है टू आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स, और ये एक मॉडर्न मेथड है, और ये ऑप्टेंड मैनमेड. अभी सैटेलाइट हमने ही बनाया तो मैनमेड है, तो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसपे. देखो आप मैप सी में दिखा है, आपको एक इमेज दिखाया है जो हमने कंप्यूटराइज से निकाला है. तो ये देखो कितना अच्छे से पता चल रहा है कि कैसे ऊपर नीचे कितने सारे है उसमें लाइन, वो सब पता चलता है. मैप मेड यूज द अबाउ मेथड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन. एक रीजन का पूरा सेटअप बता देता है वो. इन अदर वर्ड दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ इट्स हाइट रिलेवेंस, एक आइडिया दे देता है कि कितना ऊंचा है कितना नीचे है क्या गहराई है सब पता चलता है. यूजिंग कंप्यूटर वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन द डिजिटल मैप. यूजिंग कंप्यूटर के थ्रू हम एक एक पॉइंट निकाल सकते हैं थ्रू डिजिटल मैप. फिजिकल मैप्स कैन बी यूज इन मिलिट्री ऑपरेशन, टूरिज्म, ड्रॉइंग अ माउंटेनियर रूटीन, इन मेकिंग रीजन डेवलपमेंट प्लान एक्सेट्रा. जो फिजिकल मैप्स रहते हैं जो हम देख सकते हैं मैप्स, वो सब यूज होते हैं टूरिज्म में. जब हम बाहर जाते हैं तो हम एक मैप लेके घूमते हैं कि हम ये पॉइंट पे जाना है, हम ये पॉइंट पे जाना है. हम रास्ता अपना खुद तय करते हैं कि हम अभी समझो हम माथेरान जा रहे हैं, तो माथेरान कितना बड़ा है, लोनावला जा रहे हैं, वहां पे कितने सारे पॉइंट है, लोकेशन पॉइंट है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, राइट. तो अभी हमें यहाँ पे जाना है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि हम इस पॉइंट पे जाना है, तो हम इसका रूट देखेंगे कि हाँ लेफ्ट लेना है राइट लेना है सब देखेंगे. तो ये एक डिजिटल टाइप हो गया. ओके, नाउ इट इज मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेकिंग मैप हैव बीन डेवलप. प्रीवियसली रिलीफ वॉज शोन यूजिंग हिल शेडिंग टेक्निक, द मैप गिवेन बिलो इन एन एग्जाम्पल. पहले कैसे होता था कि मैप ना मैप्स बहुत ज्यादा ही यूज हुआ था, पहले ही डेवलप हो चुका था ये सब मैप्स. तो लोग क्या करते थे, रिलीफ पे ना शेडिंग करते थे, हिल शेडिंग. आप अभी भी देखो कहीं भी आप फोर्ट जाओ या फिर किसी भी टेम्पल्स में जाओ, कहीं भी जाओ, या बहुत जगह पे फाइंड कर सकते ये सब चीजें. हर एक एक दीवार पे कुछ ना कुछ तो निशान सिंबल सब लिखा हुआ रहता है. ये हेल्प आउट करता था पहला जो उस एंशिएंट टाइम में थे, तो उनको आइडेंटिफाई होते थे, हाँ बाबा ये सिंबल है, ये कुछ मतलब लिखा है हमारे लिए, तो उनका कोड वर्डिंग रहता था. हम कैसे बोलते हैं हाँ बाबा बाद में बाद में बाद में, तो वो हमारा कोड वर्डिंग है लैंग्वेज में. बट पहला ये लोग दीवारों पे जो हिल रिवर्स पे थे वहां पे लोग शेडिंग करते थे, कुछ ना कुछ तो एक निशान बनाते थे टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, कुछ साइड उनके लिए रख के जाते थे. ओके, मेनी पीपल यूज मैप्स, मेनी कंपोनेंट आर शोन इन मैप्स और आउटलाइन मैप. दिस कंपोनेंट आर शोन ऑन डिफरेंट मैप इन डिफरेंट वे. बहुत सारे ये मैप्स बहुत यूज होते थे और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते थे, बहुत सारे तरीके होते थे, आउटलाइन रहते थे मैप्स पे, या आउटलाइन
if this outlines are shown on different map in different way, it will be difficult to understand them. अगर एक ही जैसे component या फिर अलग अलग component बहुत सारे map पे बताएंगे तो बहुत मुश्किल होता था उसे identify करने के. Therefore, standard signs and symbols are used to make the map easy to read. अगर map read करने के लिए एक symbol या फिर sign use किया जाता था उस वक्त कि ये सिंबल देखे हर कोई पहचान लेना चाहिए कि ये सिंबल का मतलब ये है. सो दिस सिंबल्स आर साइंस आर यूनिवर्सली यूज फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट. ये पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में मतलब यूज किया जाता है ये पर्टिकुलर साइन और सिंबल्स. दैट इज व्हाई एवरीवन कैन अंडरस्टैंड उसे थ्रू सब हर कोई समझ सकते थे. कन्वेंशनल साइंस साइंस आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन. These are in form of letters or geometrical shapes. For examples, lines, circles, triangles, dots, etc. Convention signs में क्या होता था? एक signs जैसे कि geometrical shapes अपने रहते थे, lines रहते थे, circles, dot, ये सब convention signs है. ठीक है? इसमें एक मतलब एक तरीका है sign बताने का और दूसरा conventional symbols है. और सिंबल्स में कैसे होते थे जैसे कि मिनिएचर ड्राइंग. अब कभी फोर्ट में जाओ या फिर मस्जिद में देखो या फिर किसी टेम्पल्स में देखो, मोस्टली ज्यादा टेम्पल्स में कुछ ना कुछ तो एक सिंबल्स एक ड्राइंग टाइप का मॉन्यूमेंट होते थे. तो वो एक सिग्नेचर बताने के लिए एक साइन बताने के लिए वो रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज The uses of signs and symbols in a map helps the reader to get exact information about the places on the map. A list of things that a sign and symbol represent is given in the key to the map. ऐसे ही signs and symbols use किया जाते थे map में कि वो सामने वाला उसे समझ सके, उसे पढ़ सके और उसे पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है. वो एक easy way था. ये आप देख रहे हो अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स आर यूज. ये साइंस है सिंबल्स है जो यूज किए गए हैं. देयर आर मेनी, यू कैन रीड इट इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज देयर. डू यू नो द सर्वे ऑफ इंडिया इज द फॉरमोस्ट मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1767. दिस इंस्टीट्यूट हैज मेड अ लार्ज नंबर ऑफ टोपोग्राफिक मैप of an Indian subcontinent on various scales by conducting field survey. These maps are known the world over their accuracy. The institute headquarters are in Dehradun in Uttarakhand. ये जो survey of India इन्होंने start किया map लेके इन्होंने बनाना चालू किया कभी और ये कब चालू हुआ था ये institute that is 1767 जब हम पैदा भी नहीं होते तभी ये चालू हुआ था. तो इन्होंने बहुत सारे maps बनाए हैं और इसका दिस मैप्स आर नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर देयर एक्यूरेसी. उनके एक्यूरेसी के लिए वर्ल्ड ओवर नोन है और उनका हेडक्वार्टर किधर है? देहरादून इन उत्तराखंड. ओके, बाय.